नमस्कार भाई लोग, आज हम लोग लगा रहे हैं i10 ग्रैंड 2019 मॉडल है लुबेटो का, जिसमें कि गैस भरने का औजार जो है बैक साइड में देना है पीछे। और आपको बताते चले कि क्या क्या हो गया है। ये रिड्यूसर लग गया है, जो CNG का मीटर आपका गेज ये दिखाएगा, है ना। ये इंजेक्टर आ गया है जो गैस आपको देगा 1x1। और इंजेक्टर के साथ अब नोजल में होल करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं नोजल में होल कैसे किया जाए, किस पॉइंट पे किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंजेक्टर एकदम बेहतरीन आ गया है। ये देखिए सेंसर भी हमारा बच गया, ये नहीं छू रहा है। और यहाँ से हमारा इंजेक्टर का ये 4 नंबर तार है, यहाँ पे आराम से होल्डर में जगह बच रहा है, ये है ना। चलिए, और इसमें जो पीछे गैस डालने का, जैसे हमने बताया कि पीछे गैस भरने का औजार लगाना है, ये देखिए ये हमने होल मार दिया यहाँ पे। ये आपका आता है 19 नंबर, एक बॉडी कटर। बॉडी कटर कहाँ है वो? टाइटन में क्या होता है कि डबल चादर होता है। डबल चादर होने की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे लग नहीं पाता है, व्यवस्था नहीं बनती है। अच्छा, अभी इसमें दिखाएं आपको, यहाँ पे 3 चादर है। देखिए नीचे से आपको ये चादर दिख रहा है, पेट्रोल टैंक के बगल में, साकर के बगल में, है ना। और फिर आप आ जाइए इधर, इधर आप देखिए पूरा पैनल आपने खोल के यहाँ हटा दिया। पैनल हटाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, छोटा से कटिंग करना पड़ता है चादर का। ये जैसे हमने काट दिया, ये हमें हटा दिया, ठीक है। और ये देखिए अब हमारा ये जिसमें नोजल लगेगा वो लग गया। पंकज नोजल लगा उधर से, ये हो गया। अब इसको हम टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद हमारा गैस भरने का हो जाएगा। इधर से लगेगा, है ना। गैस का ढक्कन है ये आपका, ये आ जाएगा ऐसे। ये हमने रख दिया वाशर, रिंच ला भैया 22 का, और ये नट रख के हमने टाइट कर दिया। और बहुत प्यार से इसमें गैस भरता है। और अच्छी बात यह है कि जल्दी सिलेंडर फुल होता है इससे, क्योंकि ये सिलेंडर के बिल्कुल नज़दीक है। ये देखिए यहाँ से बहुत प्यार से गैस जाता है और तेज़ी में गैस भरता है। गैस इतना जल्दी भरता है कि मतलब उसके अपेक्षा इस पर करीब करीब 10 गुना स्पीड रहता है। ये हमारे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे हमारा पाइपलाइन कनेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। अभी पाइपलाइन भी आपको कनेक्ट करके हम दिखा रहे हैं, जैसे कि ये CNG की पाइपलाइन जो है हमारा, ये है ना। हाँ भाई देखिए, ये हमारा रेडी हो गया, ये पाइपलाइन लग गया, ठीक है। और पाइपलाइन लग करके आ गया आपका ये इस पर क्लिप लग गई है। एक क्लिप आपका ये लग गई है जिससे पाइप हिले डुले ना, और एक क्लिप ये लग गई है। और ये आ गया आपका नोजल जिससे गैस सिलेंडर में चला जाएगा ये। और अभी हम लोग स्टेपनी बांध रहे हैं, देखिए ये है स्टेपनी। स्टेपनी निकलने की जगह बनेगी सीट लिटा करके आप आसानी से इसमें सिलेंडर निकाल सकते हैं। पाइप ये दस मोड़ लेते हैं ऐसे, तो निकल जाएगा आराम से। नोजल में होल किया जा रहा है जिससे कि गैस चारों सिलेंडर को 1x1 मिलता रहेगा। ये होल करने का बेहतरीन तरीका है। एक हीटर प्लग लीजिए टाटा, इतनी जानकारी बहुत है। जैसे गर्म होगा वैसे ही अपना काम शुरू कर देगा। अभी गर्म नहीं हुआ है, वहाँ मुँह पे दिखाओ यार, कहाँ दिखा रहे हो? यहीं पे दिखा, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे होल वहाँ दिखाओ। हाँ ये अब हुआ, ये होगा। ये हमें रखा, ये बिल्कुल इत्मीनान से राइट करें, बहुत प्यार से राइट होता है ये।
साइज दिखाओ यार ये। अबे रुको मत, टाइट हो जाओ। इसमें सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि मजबूती अच्छी मिलती है पकड़, क्योंकि चूड़ी बनाने से ये ढीला रहता है। टफ से अगर हमने चूड़ी बना दी तो ढीला रहेगा नोजल, और ऐसे क्या है कि नोजल हमारा हिल नहीं सकते। देखो आप कितना हिला, ये हिल नहीं सकता है एकदम टाइट। ये हमारा नोजल रेडी हो गया, अभी वैक्यूम दे रहे हैं। ये वैक्यूम का लगाओ नोजल, लगाओ हीट करो उसको। अभी वैक्यूम के लिए हम दे रहे हैं, वैक्यूम दे देंगे हम। ये वैक्यूम का व्यवस्था कर रहे हैं, वैक्यूम यहाँ से लेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तुम का हटा रहे छुआ रहे भाई। ये तो आउट ड्रामा कर रहा है, जब मौसम बना हुआ है तो ये छुआ रहा है हटा रहा है। कहाँ चल रहा दिख रहा क्या हो उसमें, उठ का दिख रहा है। हाँ चलो दिख तो रहा है। ये हो गया हमारा काम, ये हमने मिला दिया बॉन्ड टाइट। नोजल चाहे जितना टाइट हो, बॉन्ड टाइट या सिलिकॉन बिना लगाए नोजल को कृपया ना छोड़ें, क्योंकि नोजल अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से लीकेज करने का चांस रहता है। थोड़ा सा लगाओ जाता है, इसको लगा देने से अपनी मजबूती रहती है कि हाँ हमने जो काम किया है। बाई दफाई ढीला रह जाता है तो टेंशन नहीं होती है कि हाँ ये किसी कारणवश ढीला होगा। लगाओ ढंग से, नहीं उठता ना। हाँ तो आप जब भी करें किसी भी काम को आराम से करें, पुख्ता तरीके से करें, कहने का मतलब ये है, मतलब उसमें शंका ना रहे कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, कहने का मतलब इतना है। जब हम किसी काम को अच्छी तरह से करते हैं मन लगा करके तो काम गड़बड़ होता नहीं, लेकिन यह है कि टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रॉब्लम आनी होगी तो आ जाएगी, इसके लिए कुछ इशू नहीं। लेकिन अपने से अच्छा करें, चीज़ों को टाइम दें। इधर नहीं लगा, भैया ऐसा लगाइए कि देखिए भैया लगाया, खुद देखिए कितना क्लियर लगाया है, साफ सुथरा। नौजलवा पहुंच दो, ये नोजल हमारा रेडी हो गया। अब इसमें पाइपलाइन कनेक्शन करना है।